मधुर किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए ला रही हूँ खट्टा मीठा नींबू का अचार। तो खट्टा मीठा नींबू का अचार बनाने के लिए हमने क्या लिया है वो देखते हैं। मैंने नींबू लिए है 1/4 किलो, छोटे पहले धो के साफ कर लिए थे और छोटे पीस कर लिए। एक नींबू के 8 पीस किए मैंने, और उसके लिए मैंने 1/4 किलो शक्कर ली है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ली है, 1 टीस्पून नमक लिया है, 1/2 टीस्पून काला नमक और 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर। तो देखते हैं हमें कैसे बनाना है। मैंने एक छोटा बर्तन लिया है, उसके अंदर हम नींबू के पीस डाल देंगे और इसे हमें कुकर के अंदर रखना है। तो कुकर में हमने पानी डाला है और गैस को ऑन करेंगे। मैंने 1 ग्लास पानी उसमें डाला है और अभी उसके अंदर मैंने एक छोटी कटोरी भी रखी और उसके ऊपर ये बर्तन रखूंगी और उसे ऊपर से ढक देना है ताकि उसके अंदर पानी ना जाए। हमारे कुकर के अंदर का पानी उसके अंदर नहीं जाना चाहिए, इसलिए हमें ढक देना है अच्छी तरह से। और अभी हम ढक्कन को लगा लेंगे और 2 सीटी आने तक गैस चालू रखेंगे, फ्लेम को फुल ही रखेंगे। 2 सीटी हमारी कंप्लीट हो गई है, गैस भी हमारा ऑफ कर दिया है हमने और कुकर भी हमारा ठंडा हो गया है। अभी हम इसमें से बर्तन निकाल लेंगे। पानी अगर ऊपर गिरा हो तो पोंछ लेना है, उसके अंदर बर्तन के अंदर पानी बिल्कुल नहीं गिरना चाहिए। अभी धीरे से निकाल लेंगे हम। लेमन हमारे गल गए हैं अच्छी तरह से, इस तरह से। अभी हम इसको कढ़ाई के अंदर डालेंगे। गैस के ऊपर रखेंगे, गैस ऑन करेंगे। अचार कोई भी बनाते वक्त हमारा बर्तन साफ सुथरा होना चाहिए, गीला बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा अचार खराब हो सकता है। आप ये साल में 2 बार 3 बार कितनी भी बार कर सकते हो, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही अचार करें तो भी चलेगा। इतना साल भर का भर के रखने का कोई काम नहीं। इसके अंदर हम मिर्च पाउडर डालेंगे। मैंने 1 टीस्पून मिर्च पाउडर लिए, इसे मिक्स करना है। इसके अंदर अभी नमक डालेंगे, फ्लेम को भी कम कर देंगे और नमक डालना है। 1 टीस्पून मैंने नमक डाला है इसके अंदर, काला नमक डालेंगे 1/2 टीस्पून और जीरा पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून। सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे। अभी इसके अंदर हम जो हमने शक्कर ली है वो डालेंगे, थोड़ी थोड़ी डालेंगे पहले। अगर आप ज्यादा मीठा खाना पसंद करते हो तो पूरी डाल दीजिए, नहीं तो मैंने 1/2 किलो लेमन के लिए 1/2 किलो ही शुगर ली है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
अचार बनके हमारे रेडी हो गए हैं। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। अभी हम इसे निकाल लेंगे। चाशनी हमारी थोड़ी ही गाढ़ी होनी चाहिए, ज्यादा गाढ़ी नहीं अच्छी लगेगी। और इसे ठंडा होने के बाद कांच के जार में या प्लास्टिक के जार में आप भर सकते हो। आप इसे थेपले के साथ, दाल चावल के साथ खा सकते हो। खाने में खट्टा मीठा अचार बहुत बढ़िया लगता है। आज की मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। बाय।